सीधे लिए चलते हैं महाराष्ट्र राजभवन, जहां भावी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे शपथ ले रहे हैं। संभाजी शिंदे, ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगीन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणत्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय्य वागणूक देईन। मी एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल किंवा मला ज्ञात होईल अशी कोणतीही बाब असा मुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीत करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। धन्यवाद। जय हिंद। जय महाराष्ट्र। देखा एकनाथ शिंदे अब महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले चुके हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई और अब वो दस्तखत करते नजर आ रहे हैं। उनके समर्थन में लगातार वहां पर उनके समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं और ये अनिश्चितता की जो तस्वीर थी, जो पूरा जो सियासी संकट था पहले, वो खत्म हुआ उस वक्त जब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया उद्धव ठाकरे ने। और उसके बाद लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे, तमाम जो सियासी पंडित हैं वो ये मान रहे थे कि फडणवीस का ताजपोशी होना ये तय है, लेकिन अचानक उसके बाद बीजेपी की तरफ से ये कहा जाता है, फडणवीस आए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। और उसके बाद बीजेपी का धन्यवाद जताया एकनाथ शिंदे ने, कहा कि बड़ा दिल दिखाया है, सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद मुझे अगर मुख्यमंत्री बनने का मौका दिया गया तो ये बीजेपी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी ये जो तस्वीर देखा आप देख रहे हैं, ऐतिहासिक ये तस्वीर जब एकनाथ शिंदे भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल के साथ यहाँ पर मौजूद और अब वो शपथ। माननीय पद निर्देशित उप मुख्यमंत्री महोदय श्री देवेंद्र गंगाधर राव फडणवीस। कृपया शांत हो जाइए। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की कायद्याद्वारे स्थापित झाले आहे अशा भारतीय संविधानाबद्दल मी खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगेन। मी भारताची सार्वभौमता व एकात्मता उन्नत राखीन। मी महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझी कामे निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धीने पार पाडीन आणि संविधान व कायदा यानुसार सर्व तऱ्हेच्या लोकांना मी निर्भयपणे व निस्पृहपणे तसेच कोणाच्याही विषयी ममत्वभाव किंवा आकस न बाळगता न्याय वागणूक देईन। मी देवेंद्र गंगाधरराव फडणवीस ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की महाराष्ट्र राज्याचा उपमुख्यमंत्री म्हणून माझ्या विचारार्थ आणली जाईल
किंवा मला ज्ञात असेल होईल अशी कोणतीही बाब असा उपमुख्यमंत्री म्हणून मी माझे कामे यथायोग्य पार पाडण्यासाठी आवश्यक असेल ते खेरीज करून एरवी मी कोणत्याही व्यक्तीला किंवा व्यक्तींना प्रत्यक्षपणे व अप्रत्यक्षपणे कळवणार नाही किंवा त्यांच्याकडे उघड करणार नाही। तो आपने देखा पहले एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने उप मुख्यमंत्री की शपथ ली है, राज्यपाल कोश्यारी ने दोनों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। तो ये एक ऐतिहासिक तस्वीर इस वक्त नए महाराष्ट्र की, और जो आने वाले 2.5 बरस बचे हुए हैं उसमें अब महाराष्ट्र की दशा और दिशा इन्हीं दो चेहरों की तरफ से जो है तय किया जाएगा, और इसी के साथ जो है महाराष्ट्र के जो सियासी ड्रामे का द एंडिंग माना जाता है।